हेलो वेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किरण, आप सबका दोस्त और हो दोस्तों। आप देख रहे हैं क्विक रिव्यू दोस्तों। ओप्पो F9 के प्रो के अपना लॉन्च के बाद तब लॉन्च करने वाला है वीवो अपना 11, जो 11 सीरीज अपना लॉन्च करने वाला है। अब वही डिज़ाइन उसमें देखने को मिल रहा है जहाँ तक लग रहा है, जिसने जहाँ ओप्पो F9 में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, वही सेम टाइप का वाटर ड्रॉप नॉच ओप्पो 11 में आप देखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो और वीवो वाई हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ तो कॉपी ओप्पो का ही कर लिया। अब खाली उतने जो फोटोज वगैरह निकल के आ रहे हैं लीक्स में, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। वीवो के जो क्योंकि अलग टाइप का उसमें कैमरा आपका पॉपअप होकर कैमरा निकलता था, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आया था, बट इसे कॉपी जो किया है ओप्पो से, थोड़ा डिसअपॉइंट हो वीवो से, क्योंकि ये कॉपी नहीं करके अपना खुद का कुछ अलग इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे जहाँ तक लगा बहुत ही अच्छा लगता। अब देखने की बात है जो लॉन्च हो जाए लॉन्च इवेंट में क्या देखने मिलता है, बट लीक्स की मानू तो लीक्स के हिसाब से बता दो इसे फीचर्स ऐसे क्या रहते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है तो 6.41 का फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है, जो 19.5:9 वाला आपको डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। रिजोल्यूशन का साइज बता दो इसको 1080:23 आपको 2340 पिक्सल आपको इसमें देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर लगा हुआ है तो 660 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा। अब प्रोसेसर लगा रहे स्नैपड्रैगन, थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। रैम और स्टोरेज की अगर बात करें, इसमें 6GB रैम और 120GB स्टोरेज मिलेगा ऐसा बोला जा रहा है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 8.1 सारे फ़ोन में आजकल दे रहे हैं, तो इन्होंने भी दे दिया Android 8.1 ओरियो। और बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ, ओप्पो से थोड़ा मतलब थोड़ा मैच हो रहा है, 35 था इसमें, इन्होंने मतलब 3400 mAh की बैटरी दी है, इन्होंने शायद ही लोग भी भूख चार्जर वगैरह लेके आए मुझे जहाँ तक लग रहा है। कैमरे की अगर बात करें, इसमें डुअल रियल कैमरा देखने को मिलता है, 12 MP प्लस 5 MP सेंसर आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में 25 MP का कैमरा, सेम ओप्पो के टाइप आपको यहाँ देखने को मिला मुझे जहाँ लग रहा है, और वाटर ड्रॉप नॉच लुक लाइक आपको ओप्पो के F9 आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंट मुझे जहाँ तक लगा, कॉपी पेस्ट मुझे लग रहा है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ये थोड़ा ठीक है, इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दे रहे हैं। और लॉन्च इवेंट की अगर बात कर लूँ, ये आपको सितंबर मतलब 6.9.18 में अब लॉन्च होगा ऐसा बोला जा रहा है। सितंबर में ये उस जो फोटो देख पा रहे हो अभी, तो जिन उनका लॉन्च का जो इवेंट का पोस्टर वगैरह था लॉन्च हो गए, सितंबर में लॉन्च करेंगे। अब मान लो वीवो ओप्पो क्या करते हैं, वही सेम टाइप का मार्केट स्ट्रैटेजी करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, बट कि मुझे जहाँ तक लगा नहीं करेंगे जहाँ मुझे लग रहा था कि ओप्पो फाइंड एक्स और वीवो अलग डिज़ाइन अलग हिसाब से लाए थे, मुझे जहाँ तक लगा ये ओप्पो F9 भी और ओप्पो और ये वीवो 11 ये थोड़ा अलग डिज़ाइन अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, बट सेम टाइप का इन्होंने कर दिया। पहले तो ओप्पो ने लॉन्च किया था ठीक है वो अलग हिसाब से, बट वीवो भी उसी हिसाब से चल रहा है भाई, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले दे दिया अलग बात है, बट वही सेम डिज़ाइन टाइप का लुक लाइक देखने में जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंट करेगा मुझे तो नहीं पता है, वीवो ओप्पो वैसे ही मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि फीचर स्पेसिफिकेशन देखूं प्राइस जैसा देखूं, मार्केट में बहुत सारे फ़ोन उसके लेवल के अवेलेबल हैं, तो इसलिए ओप्पो वीवो के ऊपर थोड़ा अच्छा खासा चल रहा था। F9 फाइंड एक्स निकाले, वीवो V9 निकाला, अब इसको क्या हो गया क्या पता नहीं, क्या क्यों ये सेम वही फिर पुराने वाले तरीके में चले गए, वही सेम तरीके से क्या बताऊँ। तो आप लोगों को कैसा लगा कि ये जो वीवो 11 है लॉन्च होने वाला है, तो आप लोगों का क्या लगता है वीवो 11 मतलब इसमें जो फीचर्स स्पेसिफिक जो मैंने बताया इसमें आपको सही दिए गए हैं कि और थोड़ा तो जो सोच रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मेरे हिसाब से देखो और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसी प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर्स इससे ज़्यादा भी फोन वगैरह हैं, खाली कैमरे को ही फोकस इन लोग कर रहे हैं मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है। तो आशा करने वाला वीडियो आप लोग पसंद आएगा, वीवो के फ़ैन हो तो भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वीवो ओप्पो के, मुझे जहाँ से पता है कि डिसलाइक आएगा वीडियो में मुझे पता है। अगर वीवो ओप्पो के फ़ैन भी हो नहीं भी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों का जरूर करना दोस्तों, नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी सुझाव सजेशन हो तो मुझे जरूर पूछ सकते हो, तो उसका रिप्लाई मैं इंस्टेंटली दे देता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और अलग टाइप टेक रिलेटेड कोई भी वीडियो में दोस्तों, फिलहाल गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।